देखिए यहाँ पर अवश्य चाहिए, जरूर चाहिए के लिए मस्ट और मस्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन अवश्य चाहिए था या जरूर चाहिए था के लिए मस्ट है और उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे मुझे जरूर जाना चाहिए आई मस्ट गो, लेकिन मुझे जरूर जाना चाहिए आई मस्ट हैव गॉन। क्लियर है? इस तरह से चेंज होगा यहाँ पर। क्लियर? अभी जैसे एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे मैं कह दूँ तुम्हें, है ना, मैं कह दूँ तुम्हें खाना खाना चाहिए, तुम्हें खाना खाना चाहिए, अभी यहाँ शुड का यूज होगा, लेकिन मैं कह दूँ तुम्हें खाना अवश्य खाना चाहिए, तुम्हें खाना अवश्य खाना चाहिए, तो अब यहाँ क्या यूज होगा, मस्ट। तो क्या हो जाएगा, यू मस्ट ईट द फूड, यू मस्ट ईट द फूड। इतना क्लियर हुआ, यू मस्ट ईट द फूड। लेकिन इसी में हम कर दें कि तुम्हें, है ना, तुम्हें खाना अवश्य खाना चाहिए था, तुम्हें खाना अवश्य खाना चाहिए था, तो अब इसके लिए क्या हो जाएगा, यू, ठीक है। और जब चाहिए था आ जाए तो वहाँ क्या लगा देना, मस्ट हैव के साथ क्या लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, यू मस्ट हैव, है ना, यू मस्ट हैव, और यहाँ क्या हो जाएगा, ईटन द फूड। क्लियर है? यू मस्ट हैव ईटन द फूड। आप कह रहे हो उनको स्कूल जाना चाहिए तो यहाँ शुड लगेगा, लेकिन मैं कहता हूँ उनको स्कूल जरूर जाना चाहिए तो दे, है ना, उनको स्कूल जरूर जाना चाहिए, इसका क्या हो जाएगा, दे मस्ट गो टू स्कूल, लेकिन मैं कह दूँ उनको स्कूल जरूर जाना चाहिए था तो क्या हो जाएगा, दे मस्ट हैव गॉन टू स्कूल। इस तरह से आपको चेंज करना है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। सिंपल से यहाँ पर यही याद रखना है, अगर अवश्य चाहिए या जरूर चाहिए है तो मस्ट लगाना और मस्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, लेकिन अवश्य चाहिए था या जरूर चाहिए था की बात हो तब वहाँ मस्ट हैव लगाना और मस्ट हैव के साथ में क्या लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। जैसे मुझे जरूर जाना चाहिए आई मस्ट गो, लेकिन मुझे जरूर जाना चाहिए था तो आई मस्ट हैव गॉन। तो आपको एक सिंपल जरूर, एक चाहिए के लिए और दूसरा बना देना चाहिए था के सेंस में। यहाँ मस्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन मस्ट हैव के साथ में यहाँ कौन सी फॉर्म लगी, थर्ड फॉर्म। इसी तरह दूसरा सेंटेंस मैंने लिया, तुम्हें खाना अवश्य खाना चाहिए, यू मस्ट ईट द फूड, लेकिन तुम्हें खाना अवश्य खाना चाहिए था तो क्या हो जाएगा, यू मस्ट हैव ईटन द फूड। क्लियर है इतना? yes,